हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पुरानी वीडियो में जो है इसकी अनबॉक्सिंग और एयर फ्लो टेस्ट ज़रूर दिखा होगा। तो इस बार जो है फ्रेंड्स, हम इसका पावर कंजम्पशन भी दिखाएंगे और थोड़ा सा हम इसको बेहतर टेस्ट करके दिखाएंगे। हमारे पास जो है एक नया एयर फ्लो मीटर आया है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो फ़ैन है वो है खेतान ड्यूरो पावर गैलेक्सी फ़ैन, इसका नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो है 12 इंची इसके ब्लेड्स हैं। अगर आप डायगनली इसको देखोगे तो 12 इंची है और ये एक प्रकार का टेबल फ़ैन है। इसमें जो है 3 स्पीड मोटर है, आप यहाँ से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। इसका जो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा हो गया, इसको आप टाइट एक बार फिक्स करके आप यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो है ये एक प्रकार का ओसिलेशन फंक्शन नहीं है, यानी कि ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। इसका बेस जो है काफ़ी भारी है, जिससे ये बिल्कुल स्टेबल है और हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है। तो हम आपको सब कुछ टेस्ट करके दिखाएंगे। तो थोड़ा बहुत हम आपको ब्रीफ में बताना चाहते हैं, ये इसके साइलेंट फीचर हैं। 3 स्पीड रेगुलेटर है, जिससे आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस सेविंग डिज़ाइन है। टिल्ट एडजस्टमेंट है, जिससे आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। हैवी बेस फॉर द बेटर स्टेबिलिटी, जो इसका बेस जो है काफ़ी हैवी है, हार्ड है। साइलेंट ऑपरेशन है, काफ़ी साइलेंट है। और फ्रेंड्स, वाइड वोल्टेज टेस्टिंग जो है ये 140 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक चल जाता है। और अगर हम इसके टेक्निकल डिटेल देखें, MRP जो कंपनी ने रखी है, तो फ्रेंड्स मोटर की जो स्पीड है वो है 2400 RPM है। स्वीप एरिया जो है 400 mm है। स्पीड मोड जो है 3 है, लो, मीडियम और हाई में है। ब्लेड्स जो है इसमें 12 इंची है। पावर कंजम्पशन जो है ये 60 वाट जरूर बता रहा है। एक्चुअल में जो 60 वाट है ये आपकी लोएस्ट स्पीड पे 60 वाट कंज्यूम करता है। जैसे ही आप इसकी स्पीड को बढ़ाओगे तो ये फिर जो है 80 वाट तक बिजली कंज्यूम करेगा। ये कोई कंपनी बताती नहीं है कि भाई हाईएस्ट स्पीड पे ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो अगर आप इसको हाईएस्ट स्पीड पे चलाओगे तो 80 वाट ये बिजली कंज्यूम करता है। तो चलिए हम इसको चलाकर दिखाते हैं। ये नंबर वन पे हम चलाएंगे। तो ये जो है नंबर वन पर जो है ये 64 वाट ये बिजली कंज्यूम कर रहा है। और हम जो है अपना सीलिंग फैन बंद कर देते हैं, जिससे आपको जो है प्रॉपर एयर फ्लो टेस्ट। तो अब जो है उसका नॉइस नॉइस लेवल चेक करते हैं, ये शोर कितना कितना है। डिज़ाइन जो है बहुत ही बेकार है, मतलब पीछे से हमें करना पड़ता है। तो नंबर दो पे कर देते हैं। और नंबर दो पे शायद हमें डेमो देने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। नॉर्मल लोगों को तो सिर्फ एक स्पीड सेट करनी है। तो अब जो है ये देखिए आप, नंबर दो पर जो है 70 वाट के आसपास कर रहा है। अगर आप इसका नॉइस लेवल देखेंगे, तो आप 7.4 एवरेज ले सकते हैं।
नियर स्पीड पे, तो काफ़ी अच्छा लुक है। और खेतान कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता टेबल फैन आप कह सकते हैं। इसका जो प्राइस जो है 1300 रुपये है, कंपनी ने रखा है, यानी कि 1100 या 1200 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जो है ये देखिए हाईएस्ट स्पीड, तो हाईएस्ट स्पीड पे जो है ये 77 वाट जो है बिजली कंज्यूम कर रहा है। पर्सनल व्यू की बात करें तो हमें जो ये फैन जो है काफी पसंद भी आया है। खेतान के हमारे पास जितने भी सीलिंग फैन है वो इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते, उनकी स्पीड जो है काफी अच्छी होती है और लॉन्ग लाइफ रहते हैं। खेतान के जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो अगर आपको ये खरीदना है तो हम वीडियो के नीचे जो है सभी प्रकार के टेबल फैन का लिंक डाल देंगे, चाहे आप हैवल्स का भी ले सकते हैं। अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं तो हॉटलाइन प्रो का मिल जाएगा, और अगर आप BLDC वाला फ़ैन लेना चाहते हैं, गोरिल्ला पेडिस्टल फ़ैन, तो हम उसका भी लिंक डाल देंगे। तो पैसा वसूल प्रोडक्ट है, इतना कॉस्टली नहीं है, 1300 रुपये इसकी MRP है, 100-200 शायद बढ़ गई होगी इस साल। तो पैसा वसूल प्रोडक्ट है खेतान की तरफ से, तो आप इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। बस इसका ये हमें जो ये बटन का जो फंक्शन है ये हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। और इसके ब्लेड्स भी जो है प्लास्टिक के हैं, यानी कि इनको भी जंग नहीं लगेगा, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। धन्यवाद।